दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजंस फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। The diameter of the region representing the gold score is 21 cm and each of other bands is 10.5 cm wide. Find the area of each of 5 scoring region. तो जो ये है आर्चरी तीर कमान का जो ये आर्चरी टारगेट है, यहाँ पे जो सबसे अंदर वाला है वो गोल्ड, इसके बाद वाली रिंग रेड की है, इसके बाद वाली रिंग ब्लू, इसके बाद ब्लैक और सबसे लास्ट में वाइट। अब इन्होंने क्या कहा है, जो गोल्ड रीजन है इसका डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने हर एक रीजन का एरिया निकाला है, डायमीटर ऑफ इनके हम नेमिंग कर सकते हैं। सबसे अंदर वाला सर्कल, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4 और सर्कल 5। तो गोल्ड रीजन वाला कौन सा सर्कल है, फर्स्ट वाला। तो डायमीटर ऑफ सर्कल 1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आएगी, सो रेडियस ऑफ सर्कल 1 डायमीटर का हाफ होती है 21/2 सेंटीमीटर। तो सो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल 1, यह आएगा कि आपका एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इक्वल 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। कैंसिल आउट कीजिए, ये 11 पे कैंसिल हो गया, 3 पे 21/3 63 इंटू 11 693 डिवाइड बाय 2। पॉइंट्स में निकाल लीजिए इसको, 2/3 6 2/4 8 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सर्कल 1 का एरिया है। ऐसे ही रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेकंड सर्कल की रेडियस निकालिए। अब जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 10.5 सेंटीमीटर वाइड। यानी जो ये विड्थ है ये कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस आएगी सर्कल 2 की वो क्या आएगी, पहले वाली की रेडियस कितनी थी, 21/2 प्लस 10.5, दैट मींस 105/10 यानी 21/2। यानी 21/2 पहले वाले सर्कल की रेडियस थी, विड्थ कितनी है 21/2। तो दूसरे सर्कल की रेडियस क्या आएगी, ये वाले की पूरे की 21/2। पहले सर्कल की रेडियस में इस विड्थ को ऐड करेंगे तो 21/2 प्लस 21/2 ये हो जाएगा 42/2, कैंसिल आउट हो गया आएगा 21। एरिया निकालने सर्कल 2 का, एरिया ऑफ सर्कल 2 से 2 एरिया का रीजन पाई आर स्क्वायर, ये आएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 21/63 63 की मल्टीप्लाई 22 के साथ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस बड़े वाले सर्कल का एरिया आ गया है। अब एक एक करके हम इसके रीजन भी निकालेंगे। पहले वाला एरिया ऑफ गोल्ड, चलो पहले सर्कल सभी सर्कल्स के एरिया निकाल लेते हैं, फिर रीजन्स के एरिया हम इकट्ठे निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले सभी सर्कल्स का एरिया निकालते हैं।
अब सर्कल 3 का एरिया निकालिए, रेडियस ऑफ सर्कल 3, तीसरे सर्कल की रेडियस, यानी जो पुराने वाली रेडियस है 2 वाले की रेडियस में हम ये विड्थ ऐड करेंगे, यानी सर्कल 2 की रेडियस कितनी थी 21 और विड्थ कितनी है 21/2। एलसीएम ले लीजिए, 42 + 21 दैट मीन्स 63/2 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सर्कल 3 वाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू 63/2 इंटू 63/2, कैंसिल आउट कीजिए 9 से 2 11, 63 की 11 से मल्टीप्लाई हमने पहले भी की थी 693 और उसकी 9 से मल्टीप्लाई 9327 2 99 81 and 283 8 96 64 and 862 डिवाइड बाय 2, कैंसिल आउट कीजिए इसको 3 1 2 2 8 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये थर्ड सर्कल का। ऐसे ही हम सर्कल 4 का भी एरिया निकालेंगे और सर्कल 5 का भी। तो रेडियस ऑफ सर्कल 4 तो सर्कल 3 की रेडियस कितनी थी 63/2 प्लस जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी 10.5, तो इसमें 10.5 यानी 21/2 ऐड करें ये हो जाएगा 84/2, कैंसिल आउट होके 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया निकाले सर्कल 4 का, एरिया ऑफ सर्कल 4 पाई आर स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 42 इंटू 42 मल्टीप्लाई करें 6 से कैंसिल, 22 × 6 132 होता है, 132 को मल्टीप्लाई 42 के साथ 2 to the 4 3 to the 6 प्लस 8 14 1 2 × 2 प्लस 12 14 and 1 15 1 4 × 4 and 1 5 5 5 4 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सर्कल 4 का एरिया आ चुका है। अब ऐसे ही हम एरिया निकालेंगे सर्कल 5 का, उसके लिए रेडियस देखिए सर्कल 5 की क्या आएगी। सबसे बड़ा सर्कल यही है, रेडियस ऑफ सर्कल 5 ये पहले वाली रेडियस कितनी है 42, इसमें भी जो विड्थ है वो कितनी है 10.5, ये ऐड करेंगे 42 प्लस 21/2 42 to the 84 84 प्लस 21 105/2 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालें, एरिया ऑफ सर्कल 5 पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू 105 इंटू 10/2 इंटू 105/2, कैंसिल आउट कीजिए 2 से ये 11 पे कैंसिल, 7 से 7 × 7 3 7 × 5 35 15 की और 11 की मल्टीप्लाई 165, इसकी मल्टीप्लाई 105 के साथ 5 5 25 2 6 5 30 +2 32 3 5 5 + 5 10 +3 13 एंड 6 + 1 7 एंड 1 आई थिंक ये आएगा 17325। ये आ जाएगा 17325 डिवाइड बाय 2, कैंसिल आउट कीजिए 2 8 16 1 2 6 12 1 2 6 12 2 to the 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना ठीक है या गलत है। अब हमने क्या किया है, यहाँ से एक एक करके सभी सर्कल्स का एरिया निकाल लिया है। नाउ हर एक रीजन का आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड वाले का एरिया क्या है बताइए,
गोल्ड वाले का एरिया यानी जो सर्कल वन है जो उसका एरिया आएगा वो किसका एरिया आएगा? गोल्ड वाले का। सर्कल वन का एरिया कितना था? 346.5। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी वन सर्कल वन दैट मीन 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेड रीजन रेड वाले का एरिया क्या आएगा? सर्कल टू का एरिया निकालिए पूरे का और उसमें से सर्कल जो वन है उसको माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल टू माइनस एरिया ऑफ सर्कल वन। देखिए ध्यान से, जब आप सर्कल टू का एरिया निकालेंगे तो उसमें रेड वाला भी आ जाएगा और गोल्ड वाला भी आ जाएगा सर्कल टू में, लेकिन जैसे ही उसमें से आप गोल्ड वाले को हटाओगे तो सिर्फ कौन सा बचेगा? रेड वाला। तो यहां से क्या आएगा? सर्कल टू का एरिया देखिए कितना है, हम निकाल चुके हैं सर्कल टू का एरिया 1386.0 लिख देते हैं माइनस 346.5 ये आएगा 5 15 माइनस 6 9 7 माइनस 4 3 3 माइनस 3 0 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया पर किसका आएगा? रेड वाले रीजन का। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ब्लू रीजन ब्लू वाले का एरिया क्या आएगा? C3 का एरिया निकाल के, ये पूरा C3 का एरिया निकाल के उसमें से एरिया कौन सा माइनस करेंगे? C2 वाला, तभी ब्लू वाला आएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ C3 माइनस एरिया ऑफ C2। माइनस कीजिए C3 का एरिया, देख एरिया देखिए कितना है 3118.5 माइनस C2 का एरिया कितना है 1386.0 माइनस कीजिए 5 8 माइनस 6 2 11 माइनस 8 3 0 10 माइनस 3 7 2 माइनस 1 1 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे हमने ब्लू का निकाला है ऐसे ब्लैक का निकालेंगे। ब्लैक वाला ये वाला रिंग कैसे आएगा? बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करके। अब इसमें बड़े वाला सर्कल कौन सा है? C4 और छोटे वाला C3। तो ऐसे लिख देते हैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ C4 माइनस एरिया ऑफ C3। एरिया ऑफ C4 माइनस एरिया ऑफ C3। तो C4 का एरिया देखिए क्या आएगा? 5544.0 माइनस C3 का एरिया क्या था आपका? 3118.5 माइनस कीजिए 10 माइनस 5 5 13 माइनस 8 5 3 माइनस 1 2 5 माइनस 1 4 5 माइनस 3 2 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक वाले रीजन का भी एरिया आ गया। अब कौन सा बचा? व्हाइट। व्हाइट वाले का एरिया कैसे निकालेंगे? C5 में से C4 को माइनस करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 4। सर्कल 5 का आपका एरिया है 8662, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा 0.5
माइनस सर्कल फोर का एरिया 5544.0, ये आएगा 5 12 माइनस 4 8 5 माइनस 4 1 6 माइनस 5 1 8 माइनस 5 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा बच्चों हर एक रीजन का एरिया, व्हाइट वाले का, ब्लैक वाले का, ब्लू वाले का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन बहुत इजी है। सीधी सी बात है कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस करते चले जाइए, हर एक रीजन का एरिया आता चला जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेटमेंट पढ़े तब तक। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, जो कार का व्हील है सर्कुलर शेप में होता है, उसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और उसकी कार की स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। कहते 10 मिनट्स में उस कार के व्हील कितनी बार घूमेंगे, यानी आपने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालनी है किसकी, व्हील की, और कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। इन्होंने यही कहा है कि अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो 10 मिनट्स में उस कार के पहिए कितनी बार घूमेंगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है। तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ कार कितनी है, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, इन 60 मिनट्स एक कार ट्रेवल्स, एक घंटे में कितना ट्रेवल करती है 66 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें 66,000 मीटर्स। एक मिनट में कार ट्रेवल्स, कम के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड, डिवाइड बाय 60, इन कितने मिनट्स में पूछा गया 10 मिनट्स, कार ट्रेवल्स 66,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल कीजिए इसको, 11,000 या 11,000 मीटर। इतना डिस्टेंस तो कार ने ट्रेवल किया है 10 मिनट्स में, तो आप ये लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू 11,000 मीटर। इतना समझ में आ गया। अब मुझे बच्चों ये बताइए, जब कार ट्रेवल करती है, जब आप कार चलाते हैं तो जो व्हील के पहिए घूमते हैं तो उसमें जो व्हील का सर्कमफ्रेंस यूज होता है या व्हील का एरिया यूज होता है। अरे जब आप कार चलाते हो टायर कुछ ऐसे होते हैं ना, सिर्फ जो ये वाली पट्टी है
सिर्फ यही घूमती है, इसका एरिया तो यूज नहीं करेंगे निकालने के लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना कार ने डिस्टेंस कवर किया है, देखिए ये डिस्टेंस है कार का, अगर पहिए को अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाते हो और अगर एक पहिया एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कुछ यहाँ पे पहुँचेगा, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा एक रिवोल्यूशन में। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इतने इतने डिस्टेंस बना के चलेगा, एक रिवोल्यूशन दो तीन चार ऐसे ही होगा ना। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसको इस डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, और ये डिस्टेंस कौन सा है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो उसके लिए हम ये लिखेंगे रेडियस ऑफ वी, डायमीटर कितना है 80, तो रेडियस क्या आएगी 80/2 40 सेंटीमीटर। हम यहां से व्हील का निकालेंगे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का 2πr, पाई की वैल्यू आप कर सकते हैं 2 × 22/7 × rf40, कैलकुलेशन कर लें 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो जो आपका पहिया है इतना डिस्टेंस कवर करने में चक्कर कितने लगाएगा, तो टोटल डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से डिवाइड कर दें जो उसने एक बार चक्कर लगा के बनाया है। तो हम ये लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, समझ में आया बच्चों, कि अगर आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं तो टोटल डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना आपका 11,000 मीटर, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में या मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1760 डिवाइड बाय 7 था तो उसको 100 से डिवाइड कर दें तो वो मीटर में आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 176 डिवाइड बाय 70 इसको पलट दें, ये आ जाएगा 11,000 डिवाइड बाय 176 इंटू 70 ऊपर चला जाएगा, 11 से कैंसिल हो रहा है 1000, यहाँ से 11 वन था 11 6 11 6 था 66, अभी आई थिंक 60 पे डायरेक्ट आंसर कैंसिल हो जाएगा, 8 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से कैंसिल करें इसको, 8 × 1 = 8 हाँ बिल्कुल 8 × 1 = 2 8 × 2 = 16 4 8 × 5 = 14 और यहाँ से भी सॉरी 8 से कैंसिल किया है 8 × 2 = 16 2 से 70 को कैंसिल करें 35 से 35 की और 125 की मल्टीप्लाई 125 × 35 5 × 5 = 25 2 15 + 10 25 + 2 = 27 2 5 + 6 = 11 + 2 = 13 1 3 + 1 = 4 ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे 4 3 7 5 तो ये आएंगे आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, वो तो लिख दीजिए, सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 4 3 7 5। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए तो यानी 10 मिनट में कार के पहिए ने कितने चक्कर लगाए, 4375 टाइम्स। तो
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही।